हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार था, पर सब लोग अलग अलग रहते थे। मेरा बचपन तो गांव में ही गुजरा था, पर पढ़ाई के लिए मुझे मन मारकर शहर में पापा के दोस्त के पास जाना पड़ा। पापा के दोस्त को मैं चाचा कहता था। उस समय मैं 20 साल का था और अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। तो मैं शहर आया और जैसे ही मैंने चाचा जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से चाचा की लड़की दरवाज़ा खोलने आई। उसे मैं दोस्त मानता था, उसका नाम रश्मि था। बचपन में जिसे हम सब मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते थे, वो आज हुस्न की परी लग रही थी। तभी उसने मुझे आवाज़ दी, बोली, कहाँ खो गए, अंदर आइए ना, मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। माँ पापा अभी बाहर गए हैं, वो मुझसे आपके आने की बात बताकर गए हैं। चलो आप अंदर आकर बैठो, मैं अभी नहा कर आती हूँ, तब तक आप भी फ्रेश हो लीजिए। मैं अब हॉल वाले बाथरूम में गया और वो अंदर वाले बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर मैं रूम में जाकर बैठने वाला था, तभी मुझे उसके बाथरूम से कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे दिमाग में रश्मि का हुस्न छाया हुआ था, तभी मुझे उसकी मनमोहक खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी और वही अपने दिल को सहलाने लगा। उस समय मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। तभी वो दरवाज़ा खोलकर अपने कपड़े लेने के लिए निवस्त्र ही आगे बढ़ी और मुझे देखकर चौंक कर वापस बाथरूम में चली गई। पर तब तक मेरा काम हो चुका था, उसके शरीर का एक झलक मुझे मिल गई थी। तभी बाथरूम से उसकी आवाज़ आई, रोशन जरा वो कपड़े मुझे थमा दो। मैंने पूछा, कौन से कपड़े? रश्मि हंसकर बोली, वही टेबल पर है जो आपकी गर्लफ्रेंड अंदर पहनती है। उसका यह जवाब सुनकर मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और मैंने उसे कपड़े थमा दिए। कुछ पल बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई और मुझे नकली गुस्से से देखकर स्माइल देती हुई बोली, चलो खाना खाते हैं। वो खाना गर्म कर रही थी और मैं टेबल पर बैठकर सोच रहा था और तभी चाचा चाची आ गए और फ्रेश होने के लिए चले गए। यहाँ रश्मि मुझे खाना परोसने के लिए जैसे ही झुकी तो एकाएक मेरी नज़र उस पर पड़ गई, तो मैं समझ गया कि वह अंदर के कपड़े नहीं पहनी थी। तभी फ्रेश होकर चाचा चाची भी आ जाते हैं। फिर हम सबने मिलकर खाना खाया और इधर उधर की बातें हुई। दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सोने के समय पर चाचा ने कहा, मुझे रात में कुछ ऑफिस का काम करना है, तो तुम तीनों चाची और रश्मि बेडरूम में सो जाओ। ये कहकर वो चले गए। चाचा के कमरे का बिस्तर काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये तीन लोग एक ही बिस्तर पर सोते थे। बस आज चाचा की जगह मैं था। दाई तरफ में बीच में चाची गाउन पहनकर लेटी थी और बाईं तरफ रश्मि टॉप स्कर्ट पहनकर सोने लगी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी क्योंकि मैं जब से रश्मि की खूबसूरती देखी थी तब से उसे प्यार करने की बेचैनी है हो रही थी। तभी चाची ने करवट ली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो
चाची का हाथ रश्मि के पेट से थोड़ा ऊपर था और उनका गाउन घुटनों के थोड़ा ऊपर सरक गया था। उनका ये मखमली सा दिखने वाला शरीर हमको स्पर्श करने पर मजबूर कर रहा था और डर भी लग रहा था। अब मैं चाची की गतिविधियों को देखने लगा। मैंने धीरे से उनके हाथ को टच किया तो उनको नॉर्मल पाया। तब मैं निश्चिंत हो गया था कि चाची सो गई है। मैं धीरे धीरे करके उनसे चिपक गया, हालांकि मेरे मन में डर सा था कि कहीं चाची जाग न जाए। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो जैसे ही मैं चाची से पूरी तरह चिपक गया, तभी चाची ने थोड़ी हिलने की कोशिश की तो मैं झट से सीधा होकर लेट गया। फिर चाची ने करवट बदली और उनका एक हाथ मेरे पेट पर आ गया था। मैंने सोचा कि शायद चाची को ऐसे ही सोने की आदत हो, पर उनके हिलने से मैं सहम गया था। फिर रश्मि के बारे में सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। आधी रात हुई होगी, तब चाची अपने हाथ से मेरे पेट को सहलाने लगी, जिससे मेरी नींद टूट गई। पर मैं वैसे ही चुपचाप लेटा रहा, मैं सिहर गया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाना जारी रखा। फिर कुछ देर बाद चाची उठकर रूम से बाहर चली गई। चाची की इस हरकत ने मुझे परेशान और हैरान कर दिया था। पहले मुझे लगा कि चाची बाथरूम गई होंगी, पर बाथरूम की लाइट बंद थी। मैं उठा और चाची को ढूंढने के लिए बाहर आ गया। चाचा जिस रूम में काम कर रहे थे, मैं उस रूम के पास गया तो फुसफुसाने जैसी ध्वनि में कामुक आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गया कि चाची ने मुझे नींद में चाचा जी समझ लिया होगा और पेट को हाथ लगाने के बाद ध्यान में आया होगा कि मैं कोई और हूँ, तो छोड़कर बाहर आ गई होगी। मैं दरवाजे की होल से उनको प्यार करते हुए देखने लगा। अंदर का सीन देखकर मैं गर्मा गया और मुझे भी मज़ा आना शुरू हुआ ही था कि चाचा निढाल हो गए और चाची चाचा को कोसते हुए गाउन पहनने लगी। मैं जल्दी से वापस रूम में चला गया। मैं रूम में आया तो देखा कि रश्मि बिस्तर के बीच में टांगों को फैलाकर ऐसी सोई थी जैसे न्योता दे रही हो। आओ प्यार करो। मुझे जगह बदलने की वजह से उसका स्कर्ट और टॉप थोड़ा उठ गया था। चाची के आने के डर से मैंने खुद को संभाला और चुपचाप अपनी जगह जाकर सो गया। कुछ मिनट बाद चाची आई। मैं मुंदी हुई आँखों से देख रहा था। उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे चेक किया, फिर रश्मि के कपड़े को ठीक किए और एक किनारे सो गई। अब रश्मि मेरे बाजू में आ गई थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा और बाथरूम में चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि चाची का गाउन कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठा हुआ था, जैसे कह रही हो कि बेटा आ जाओ और मुझसे प्यार करो। फिर जैसे ही मैंने रश्मि को देखा, मैं डिम वाली लाइट बंद करके अपनी जगह आ गया और धीरे से बिस्तर पर सो गया। मैंने भी चांस लेकर उसको प्यार करने की सोची और अपना हाथ सीधे ले जाकर उसके सीने पर रख दिया। मेरे इस हमले से वो सिहर सी गई, पर उसने वैसे ही लेटे रहना सही समझा। मैं उससे सट गया तो पता चला कि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ लग गई थी, पर चाचा की लड़की शर्म के मारे वैसे ही लेटे
लेटे मजा ले रही थी। मैंने मजा किरकिरा न करते हुए उसे प्यार करने की कोशिश करने लगा और अब वो कसमसाने लगी। मैं थोड़ी देर ऐसे ही मजा लेता रहा, फिर मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा तो वो डर गई और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर क्या था, मैंने भी उसको सताने के लिए अपना हाथ वापस ले लिया और करवट लेकर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसके हाथ का स्पर्श अपने आप ही में एक कमाल का था। हम दोनों के शरीर में एक अलग ही लहर दौड़ उठी। हम दोनों ऐसे चिपक गए जैसे दो जिस्म एक जान हो। मैं उसे किस कर रहा था और वो पागल हो रही थी। हम दोनों नादान थे पर कुछ अलग ही मजा आने लगा। काफ़ी देर हो चुकी थी और अब हम दोनों धीरे धीरे प्यार करने की कोशिश करने लगे और झटके से नीचे को खिसकी, पर यहाँ भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। मगर शायद इन झटकों से उसकी माँ की नींद टूट गई। चाची ने करवट बदली तो हमारी फट गई, पर हम दोनों हिले नहीं। अब तक मैं समझ गया था कि रश्मि भी तैयार है। थोड़ी देर बाद हम दोनों फिर से तैयार हो गए। मैंने उसको घुमाया और थोड़ी ही देर में हम दोनों खाली हो गए और फिर हम लोग सो गए। इसके बाद सुबह जब हम सब चाय नाश्ता कर रहे थे तो चाची की नज़रों में मुझे एक काम वासना से भरी हुई आग दिखाई दी। तब चाची ने पूछा, दूध पियोगे? उसके कुछ देर बाद चाचा ऑफिस चले गए और रश्मि का फ़ोन बजने लगा तो वो अपने कमरे में चली गई। अब मेरे सामने चाची ने अपने पल्लू को सरका दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैं हक्का बक्का था कि एक ही दिन में माँ बेटी दोनों प्यार को राजी हो गई। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि चाची ने अपना पल्लू ठीक कर लिया। पीछे से रश्मि की फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि चाची ने अपनी बेटी के सामने खुद की वासना को दबा लिया था। तब भी मैंने चाची को आग दबाकर संकेत दे दिया कि हाँ चाची, दूध गर्म कर लो, मैं बाद में पीऊँगा, मुझे भी कुछ काम था। तो मैंने चाची से कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसी समय रश्मि ने आवाज़ लगाई, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। 10 मिनट बाद रश्मि एक स्कर्ट और टॉप पहनकर आ गई। मैं उसे देखकर उत्तेजित हो गया और वो भी होठ दबाकर बोली, चलो मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ देना। हम दोनों बाहर निकल आए और वो मुझसे बोली, किसी होटल में चलते हैं और खुलकर प्यार करते हैं। मैंने झट से मोबाइल से एक कमरा बुक किया और उसको लेकर होटल के कमरे में आ गया। अगले 10 मिनट में हम दोनों प्यार करके खाली हो गए और फिर मैंने उससे चाची के बारे में बात की तो वो आग दबाकर हंसने लगी। मैं समझ गया कि ये दोनों माँ बेटी पक्की खिलाड़ी हैं। धन्यवाद।